हाईवे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कॉन्टेक्ट लेंस किस तरीके से लगा सकते हैं और किस तरीके से हम कॉन्टेक्ट लेंस को वेयर कर सकते हैं और उसके बाद निकाल सकते हैं। तो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ कॉन्टेक्ट लेंस मंगवाए थे मेकअप वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं कुछ ही दिनों में मेकअप वीडियोस बनाना शुरू करने वाली हूँ, मीन्स मेकअप वीडियो सीरीज शुरू करने वाली हूँ। तो उसी के लिए मैंने मंगवाया था कॉन्टेक्ट लेंस, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन सा है। सो फ्रेंड्स, तो मैंने 4 कलर में कॉन्टेक्ट लेंस मंगवाया था, ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। तो और इसके साथ ये लेंस जेल मिला है, जो इसे किस तरीके से यूज करना मैं वो भी आपको साथ साथ बताऊंगी। तो सबसे और आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से लगाना है और इनका कलर कौन कौन सा है, तो फिर चलिए देखते हैं। तो साथ ही साथ कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे, सो फ्रेंड्स साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो फिर चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, ये आप लोग देख सकते हो। तो फिर अब मैं इसे लगाना शुरू करती हूँ। और इसे लगाने से पहले हमेशा एकदम यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसे रखना होता है, तो ये आप लोग देख सकते हो। और जस्ट हमें अपने आँख को यहाँ करना है। मैंने फर्स्ट बार यूज किया है लेंस, इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसे लगाने में, बट ये अब अच्छे से सेट हो गया है। एंड सी दिस डिफरेंस। फ्रेंड्स, तो ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है आई लेंस लगाने की, मैंने इससे पहले कभी भी आई लेंस नहीं लगाया है। और ये आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ आई लेंस लगाने में, और ये आप लोग देख सकते हो। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। और मैं आपको इसका एक और एक्सपीरियंस बता दूं कि फर्स्ट टाइम लगाते समय बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगता। देखिए अभी कुछ देर हो गया है, तो ये आई जो मेरा है ये एकदम नॉर्मल हो गया, अच्छा लग रहा है। और जो ये अभी अभी मैंने लगाया है, तो ये मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा गड़ रहा है, लग रहा है कुछ चुभ रहा है मेरे आँखों में। फिर थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अपने आईज में कुछ लगाया है। और ये कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है, आई थिंक ये स्काई ब्लू है, तो आप लोग देख सकते हो ये कलर। बता दूं कि ये जो है ये आई जेल है, जब भी हम अपने आई लेंस को निकाल के रखेंगे डब्बे में, तो ये डाल के ही रखेंगे, इसमें ये डूबा रहना चाहिए इस जेल में। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ऑनलाइन, 400 का मुझे 5 कलर का आई लेंस। तो मैं फर्स्ट बारी से लगा रही थी, तो मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा था, बट अब थोड़ी देर जब मैं आप लोगों से अभी बात कर रही हूँ, तो एकदम नॉर्मल हो गया है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट बार मैं आई लेंस लगा रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी आई लेंस यूज़ नहीं किया है। और ये कलर आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी सारे कलर हैं,
पर उन सबको मैं फिर कभी आप लोगों को कोई वीडियो जब शूट करूंगी तो उसमें आप लोगों को दिखा दूंगी वो सारे कलर। वैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगी उसका फोटो कि कौन कौन से कलर के मैंने आई लेंस लिए हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप लोगों को लेना होगा तो आप लोग ले सकते हो। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आई लेंस मुझे जरूर बताइएगा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे लगा के तो आप लोगों को दिखा दिया, तो अब मैं दिखाती हूँ इसे निकाल के कि इसे आई से बाहर किस तरीके से निकालेंगे लेंस को। जस्ट हमें तरीके से कॉर्नर पे पहले हम नीचे की ओर खिसकाएंगे, फिर कॉर्नर पे ले जाके निकाल देंगे। इसमें हमें इसे डाल देना है, पूरे अच्छे तरीके से हमें इसे डिप कर देना है। ये आप लोग देख सकते हो मैंने इसे इसमें डाल दिया है। बस इस तरीके से हमें इसे निकाल लेना है, देख सकते हो मैंने इसमें ये डाल दिया है। और अभी इसमें वो जेल है इसलिए मैं इसमें कोई जेल नहीं डालूंगी, तो ऊपर से लगा देना है और बस इसे किसी ठंडे जगह में रख देना, फ्रीज में नहीं, रूम टेम्परेचर के ठंडे जगह में इसे रखना है। तो और सूरज की रोशनी इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को आई लेंस किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके से इसे निकालते हैं ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दिया। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।